हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू, सभी का स्वागत है। नाउ नेक्स्ट सुपर ट्रेंडिंग क्वेश्चन इज, व्हाट डू मीन बाय दीज टर्म्स लाइक बायो फोर्टिफिकेशन, बायो मैग्निफिकेशन, बायो रेमेडिएशन, बायो प्रोस्पेक्टिंग, बायो रिसोर्सेज, बायो डायवर्सिटी, बायो पायरेसी एंड बायो एक्यूमुलेशन। सो वेरी फर्स्ट टर्म इज बायो फोर्टिफिकेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड क्रॉप्स। देखिए, इसकी हेल्प से हम फूड क्रॉप्स की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। इट इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल मीन्स टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। देखिए, पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने का ये सबसे बेस्ट मेथड है कि इनको बेस्ट क्वालिटी के या न्यूट्रिशनल एडवांस फूड जो है प्रोवाइड कराए जाए। द ब्रीडिंग क्रॉप्स विद हायर लेवल ऑफ प्रोटीन, मिनरल्स, वाइटामिन्स एंड हेल्दियर फैट्स आर कॉल्ड एज बायो फोर्टिफिकेशन। देखिए, ऐसी क्रॉप जिनके अंदर हम प्रोटीन, मिनरल्स, वाइटामिन और हेल्दियर फैट्स का लेवल इंक्रीज करते हैं, इनको हम बायो फोर्टिफिकेशन कहते हैं। एग्जांपल देखिए, ट्वाइस अमाउंट ऑफ एमिनो एसिड्स लाइक लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन इन मेज। मेज के अंदर लाइसिन और ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड्स का अमाउंट इंक्रीज किया गया है। नेक्स्ट देखिए, हाई प्रोटीन कंटेंट ऑफ वीट वेराइटी ऑफ एटलस 66। देखिए, हाई प्रोटीन कंटेंट वाली वीट की वैरायटी बनाई गई है जिसका नाम एटलस 66 है। आयरन फोर्टिफाइड राइस हैविंग 5 times मोर आयरन। न्यू आयरन फोर्टिफाइड राइस बनाया गया है जिसके अंदर आयरन का अमाउंट 5 times ज्यादा है। विटामिन ए एनरिच्ड कैरेट्स, स्पिनेच एंड पम्पकिन। विटामिन सी एनरिच बिटर गॉर्ड, टोमेटो, बथुआ एंड मस्टर्ड। आयरन एंड कैल्शियम एनरिच्ड बथुआ एंड स्पिनेच। प्रोटीन एनरिच्ड बीन ब्रॉड, फ्रेंच, लैब एंड गार्डन पीज। ये सारे एग्जाम्पल बायो फोर्टिफिकेशन के हैं। नेक्स्ट टर्म इज द बायो मैग्निफिकेशन। इट इज इंक्रीज्ड कंसेंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स। देखिए, बायो मैग्निफिकेशन में कोई भी टॉक्सिक एलिमेंट ट्रॉफिक लेवल में एंटर करता है तो वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल टू हायर ट्रॉफिक लेवल में वो एक्यूमुलेटेड होता रहता है। टॉक्सिक सब्सटेंस गेट्स एक्यूमुलेटेड इन एन ऑर्गेनिजम्स एंड कैनॉट मेटाबोलाइज एंड एक्सक्रीटेड आउट। देखिए, जब एक बार वो टॉक्सिक एलिमेंट ट्रॉफिक लेवल में एंटर कर गया है तो उसको मेटाबोलाइज करना या एक्सक्रीट आउट करना पॉसिबल नहीं होता है। वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के अंदर पहुंचता रहता है और हायर ट्रॉफिक लेवल में एक्यूमुलेट हो जाता है। दिस टॉक्सिक सब्सटेंस पासेस टू नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल। यही बायो मैग्निफिकेशन होता है। एग्जाम्पल देखिए, बायो मैग्निफिकेशन ऑफ मर्क्यूरी एंड डीडीटी। तो आपको यहाँ पर डीडीटी का एग्जाम्पल से समझाया गया है कि एग्जाम्पल ऑफ डीडीटी इन एक्वेटिक फूड चेन इज एज फॉलोइंग। इट स्टार्ट्स एट 0.003 ppb। देखिए, सबसे कम होता है, मीन्स ये पार्ट पर बिलियन इतना कम होता है पानी के अंदर। एंड इट कैन रीच 25 ppm, इट मीन्स पार्ट पर मिलियन इन फिश ईटिंग बर्ड। देखिए, इनिशियली प्लैंकटन होते हैं, वहां से होता हुआ फिश में, और फिश से फिर फिश ईटिंग बर्ड में ये इस तरह से पास होता रहता है और बाद में टॉप कंज्यूमर में इसका रेशियो इंक्रीज होता रहता है। इसको हम बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। और फिर जब ये बर्ड के अंदर एक्यूमुलेटेड होता रहता है तो इसका हायर कंसेंट्रेशन जो होता है डीडीटी का, डिस्टर्ब कैल्शियम मेटाबोलिज्म इन बर्ड। इस तरह से डीडीटी के हायर कंसेंट्रेशन होने से बर्ड के अंदर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है। इट कॉजेज थिनिंग ऑफ एग सेल एंड देयर प्री मैच्योर ब्रेकिंग। इसलिए जो एग सेल्स हैं वो थिन हो जाते हैं और ये पहले ही ब्रेक हो जाते हैं। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइनिंग इन बर्ड पॉपुलेशन। और इस तरह से बर्ड का पॉपुलेशन जो होता है वो कम हो जाता है और वो बाद में एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस बायो मैग्निफिकेशन में आता है। ऑलराइट, नेक्स्ट टर्म इज द बायो रेमेडिएशन। इन दिस टेक्निक द कंटामिनेंट्स, टॉक्सिन्स एंड पॉल्यूटेंट आर रिमूव्ड फ्रॉम सॉइल, वाटर एंड अदर एनवायरमेंट्स विद द हेल्प ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए, बायो रेमेडिएशन को अगर हम डिवाइड करें तो बायोलॉजिकली रेमेडिएशन, ऐसे टॉक्सिकेंट्स हैं, कंटामिनेंट हैं, इनको हम लिविंग माइक्रोब की हेल्प से रिमूव करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, अ न्यू बैक्टीरियल स्पीसीज ऑफ स्यूडोमोनास प्यूटिडा वॉज डेवलप्ड बाई प्रोफेसर आनंद मोहन चक्रवर्ती। दिस जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया कैपेबल इन ब्रेक डाउन ऑफ क्रूड ऑयल दैट स्प्रेड ओवर द सी लेवल। देखिए, सी लेवल पर
क्रूड ऑयल अगर स्प्रेड हो जाता है तो इसको रिमूव करने के लिए इस तरह का न्यू जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया बनाया गया है जो उस पूरे ऑयल को वहां से रिमूव कर देता है और एनवायरमेंट को क्लीन कर देता है। नेक्स्ट टर्म इज द बायोप्रोस्पेक्टिंग, एक्सप्लोरिंग द डायवर्सिटी एट मॉलिक्यूलर, जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इज कॉल्ड बायोप्रोस्पेक्टिंग। देखिए किसी भी स्पीसीज का यूज जो है वो कैसे करना है, तो उसको कम्प्लीटली मॉलिक्यूलर लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे और स्पीसीज लेवल पे उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है वो ऑब्जर्व करना, इसको हम बायोप्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। लाइक मोर देन 25% ऑफ ड्रग्स करंटली सोल्ड इन द मार्केट वर्ल्ड वाइड आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्लांट। तो इस तरह से किसी भी प्लांट स्पीसीज को पूरा एक्सप्लोर करना मॉलिक्यूलर लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे, स्पीसीज लेवल पे, कि वो हमारे कहाँ पर काम आ सकता है, ह्यूमन वेलफेयर में से हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं, ये पूरा पार्ट बायोप्रोस्पेक्टिंग में आएगा। नेक्स्ट इज द 25,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट कॉन्ट्रीब्यूट टू ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज बाई नेटिव पीपल्स अराउंड द वर्ल्ड। देखिए 25,000 प्लांट स्पीसीज जो है उसको हम अलग अलग ट्रेडिशनल मेडिसिनल में यूज करते हैं, तो इनको भी एक्सप्लोर किया गया है। इस तरह के वेरियस प्रोसेसेस को यूज करके ये मालूम किया गया कि इस स्पीसीज को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, ये पूरा पार्ट बायोप्रोस्पेक्टिंग में आएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए बायो रिसोर्सेज, दीज आर कॉल्ड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। देखिए हमारे अराउंड जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं इनको हम बायो रिसोर्सेज कहते हैं। दीज आर फाउंड इन नेचर दैट आर यूज्ड फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ह्यूमन इनको अपने वेरियस पर्पज के लिए यूज करता है। लाइक दे प्रोवाइड अस फूड, फोडर, फ्यूल, फाइबर, मेडिसिन और भी बहुत सारे यूजेज होते हैं जो हमें हमारे बायो रिसोर्सेज से ऑब्टेन होते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट टर्म इज द बायो डायवर्सिटी। बायो मीन्स लिविंग, डायवर्सिटी मीन्स वाइड वेराइटी। इट मीन्स वाइड वेराइटी ऑफ लिविंग इज कॉल्ड एज बायो डायवर्सिटी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेट्रोजेनिटी, इसको हेट्रोजेनिटी भी कहते हैं। इट इज द वेराइटी ऑफ ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट लिव अराउंड अस। देखिए हमारे अराउंड मिलने वाले जितने भी लिविंग्स हैं उनको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। देखिए एडवर्ड विल्सन ने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जैसे जेनेटिक स्पीसीज और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटीज को कंबाइंड डाइवर्सिटी के फॉर्म में डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट इज द बायोपायरेसी। इट इज यूज टू रेफर टू यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाई मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथोराइजेशन एंड विदाउट कॉम्पनसेटरी पेमेंट। देखिए कोई भी पर्सन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाता है उसको इन्फॉर्म किए बिना मल्टीनेशनल कंपनीज उसका यूज लेना शुरू कर दे और इस यूज का कोई भी कॉम्पनसेटरी पेमेंट भी नहीं करे, इसको बायो पायरेसी कहते हैं। नेक्स्ट इज द बायो एक्यूमुलेशन। इट इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल इन द टिश्यू ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर टॉक्सिक केमिकल का एक्यूमुलेशन होना, डिपोजिशन होना इज कॉल्ड बायो एक्यूमुलेशन। द लेवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इंक्रीजेज ग्रेजुअली इन एन ऑर्गेनिज्म, और धीरे धीरे उस ऑर्गेनिज्म के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस का लेवल इंक्रीज होता रहता है। इट अकर्स इन वन ट्रॉफिक लेवल, और ये प्रोसेस एक ही ट्रॉफिक लेवल में होता है। Bioeg presents the career options 12th biology and mathematics in English, Hindi and now in Gujarati languages. Thanks for watching.